आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। खबर आई कि यहाँ पर आने वाले हैं तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है कोई है। तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले, बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहां उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा, विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहां पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है, दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यहीं पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। सर, तो आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। ये राजगीर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा बढ़िया है और आप लोगों की सरकार के द्वारा ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, जो हम लोग आज जिसका आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह से, सब लोगों से
और आप जानते हैं राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ एवं जंगल है। कितना बड़ा है पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा है और कितना बड़ा जंगल सब कुछ है। इन पहाड़ियों में जड़ी बूटियों का भंडार है, पहाड़ों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, तो ये सब हम लोग करवाए हैं। वृक्षारोपण नहीं था, हम सब बहुत लगवाए हैं, और एक से एक दवा वहां पर से निकलती है, वहां पर जो होता है और उसका जब इलाज होता है तो सब सब है। तो गया इतना ज्यादा महत्व है राजगीर का, और राजगीर में बड़े पैमाने पर इको टूरिज्म का विकास किया गया है, जिसमें घोड़ा कटोरा पांडू पोखर का विकास किया गया है। राजगीर में कितना चीजों का हम लोगों ने काम कर दिया, विकास कर दिया, अब सबको खुशी है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू सफारी, नेजर सफारी, ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ये सभी स्थल पर्यटन के केंद्र बन गए हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग एवं बच्चे आते हैं। अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर आई कि यहां पर आने वाले हैं, तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए हैं, कोई तब आप फिर आ रहे हैं यहां, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए यहां पर। तो हम लोग तो बचपन से ना घूमते थे जी, राजगीर का क्या महत्व है, सब पौराणिक जगह पर आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहां पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं।